हाँ तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। वहां से इन श्रीमती जी के शहर में मेला बड़ा धूमधाम से लगा है और वो मेला देखने को बड़ी बेचैन है। तो कहने लगी वो चंपा और चमेली से, और कैसे कह रही रमेश? हाय मैं कैसे जाऊं मेला, अरे मैं कैसे जाऊं मेला, घर ना है मेरा सैया में, कैसे जाऊं मेला, घर ना है मेरा सैया। अरे ना है मेरा सैया, घर ना है मेरा सैया, घर लगी। वो तो मुझे मालूम है गयोरी लगावे, मेरी कोई फिक्र ना है। अरी सोती बनी जाते बंद कब टूटे, और राम करे ऐसी नौकरिया छूटे, चंपा और चमेला, अरे जा रही चंपा और चमेला, अरे घर ना है मेरा सैया में, कैसे जाऊं मेला। क्या बात है रमेश? अरी बहुत दिना सेरी मन लल जावे, और दे पर से कहूं मोए ले जावे, खाए हाय मेरे मन मेरी बस गए केला, घर ना है मेरा सैया में, कैसे जाऊं मेला।
अरे हो री लाल रमेश लटूरी, और संग चल मेरी भाभी गलबैया डार के, मेला को चल मेरी भौजी गलबैया डार के। लेकिन देखो मैं बताऊं क्या बात है, कैसे जाएगी चलो साहब। मेला न जाऊं ओ देवरी, मेला न जाऊं ओ देवरी गलबैया डार के, क्यों अरे कर देंगे वो ऊधम बाजी लोका बाजार के, कर देंगे वो ऊधम बाजी लोका बाजार। लुकन के डरते ना जा रही तो हाँ लाला जी मेरे बस को रोकना है, तो वो कहने लगो अरे शहर हमारे में लगी रहो मेला हल्ला है रहो भारो मन आ गयो हमारो, और चाट पकौड़ी से मैं भाभी क्यों देहाती औरत मेला में जाके का ढूंढेगी चाट पकौड़ी, के भाई मिलेंगी तो सड़ी सड़ाई जलेबी। तो देवर कहने लगो अरे चाट पकौड़ी से मैं भाभी मन भर दऊ तुम्हारो जा घर से दे चल तारो तारो,
चल चल ले लाखों चल मेरी भौजी कल मैया डार के चली दू तो एक डर बड़ो भारी है मुझे। कौन सा डर है? अरे भीड़ भाड़ में खो जाऊं तो मारा तुरैयो हेला भरी भरी रे लंपेला। खाड़े को मेला मुझे ऐसे लगे ढकेला ढकेला। कैसे मारी गो शराबी कोनी मारी गो शराबी कोनी आंख मार मार के मेला घूम ना जाऊं देवर कल मैया डार के। मेला में नहीं जाऊं देवर कल मैया डार के क्यों कर देंगे वो उधम बाजी लोका बाजार के। तो देवर कहन लगो अरे मेरे होते हुए कौन कौन ही मारे हो। अरे लुक्का का करेंगे तेरों और मत खाइयो तू चुक्का नहीं होगी थुक्कम थुक्का। अरे तू चप्पल की बरसा करियो क्योंकि औरत पे एक हथियार सबसे बड़ो चप्पल होते। तू चप्पल की बरसा करियो मैं मारूंगो मुक्का ना मोते ज्यादा लुक्का लुक्का। इतनो डर क्यों करती है इतनो डर क्यों करती है हिम्मत गई हार के। मेला कू चल चल मेला कू चल मेरी भौजी चल मैया डार के। पड़ेगा तो तुम पे कछु ना होनो। अरे जितने धवल बनो लाला जी एक ना चले तुम्हारी एक ना चले तुम्हारी। अरे बड़ो जलैया भैया तेरो अरे बड़ो चलैया वो भैया तेरो दे हजारों गारी मैंने जाते हिम्मत हारी हारी। और क्या हो लाला जी जो रिंगे दूत बजारे उनसे संभार के कर देंगे वो ऊधम बाजी लुक्का बजार के।
अरी पकड़ जबान खींच लऊं बाकी जो क्यूड़ा बैठा ना लगने दूंगो बड्डा दोनों ही जाने जो अलबेले पट्ठा जो खाए अध चला मट्ठा मट्ठा लिखते हैं टेलर कविता सांचे मिठार के मेला को चल मेरी भौजी कल पैया डार के ना जाऊंगी देवर गल बैया डार के क्यों कर देंगे वो ऊधम बाजी लुका बाजार के हाँ लगी लाला जी का उतरे मेला कुछ चले तो काय पे ले चलोगे तो देवर बतावन लगो के भाभी घर को भाड़ो साइकिल पे चलेंगे पर ना लाला जी साइकिल पे ही ना जाऊंगी मैं तो ऐसी का बात है तो बतावन लगी कैसे बता रही के एक बार तेरे भैया ते और लग गई ऐसी रिल आज एक बार तेरे भैया से लग गई ऐसी रिल और मोई लिवावे गए पीहर से और बोले कि साइकिल मेरे तो छक्का छूटे दांत बालम के टूटे मेरे तो छक्का छूटे दांत बालम के टूटे भाई गए तो बता रही अरे मैं बैठा री डंडा पे अकेला बैठा ली तेरे भैया ने बड़ो भारी सो को डंडा पे बैठा रही को आज मैं बैठा री डंडा पे हे बालम ठेठ अनाड़ी डंडा पे ये बालम ठेठ अनाड़ी और केयर में फंस बैठी देवर बड़ी कीमती साड़ी कितने उबिल हाय जा में है गए कितने उबिल मेरे
भाभी हाँ, और देवर साड़ी फसी तो फसी, फिर का करो वा मौत हुआ ने। अरे मैं और मैं फिर पीछे बैठा री, हाय मैं फिर पीछे बैठा री, मेरे निकरे मोहते गारी। हाँ ऐसा मत करियो, हाँ मैं फिर पीछे बैठा री, मेरे मुंह से निकरे गारी। एक पटक मौदू ने मेरे बीच सड़क पे मारी, क्या बात है रमेश। हाँ देवर, मेरे लगी तो लगी, पर तेरे भैया को का हल भयो। अरे टूटे दांत भयो मोजेरो, टूटे दांत भयो मोजेरो, सब हंस रहे खिल्ली खिल, सब हंस रहे खिल्ली खिल, मेरे तो झटका टूटे दांत बालम के। बात बता भैया की साइकिल पे ऐसो है गो तो का मेरे उस संग है जाएगो, ऐसो ना हूं दूंगो। तो का कहने लगी, अरे तुम वो नके भैया, एक बेल के तो मराओ। हाँ तुम वो नके भैया, ना साइकिल पे जाऊं, मैं ना साइकिल पे जाऊं। और लाला जी एक बात और है, वो मैं भजन है गयो दूलो तुम पे ना चलने पाऊं, देवर कहने लगो भाभी जी मोए माले माजी पड़ी है कि तो मैं दुगनो भजन है वो कबते है वो। वो कहने लगी, लाला जी तुम साइकिल तो ना चला पाओगे, पर तुम दोनों भैया एक बात तुम माहिर हो, कौन सी में। अरे हर दम हाथ रहे घंटी पे, हर दम हाथ रहे घंटी पे बाजे टिल्ली टिल, वो तो बाजे टिल्ली टिल, मेरे तो झक्का टूटे सात बालम के टूटे। भार तेरे भैया ते लग गई ऐसी रिल, और मोइली भाई बे गए पीहर से ले किसाई किल, मेरे तो चका छूटे सात बालम के।
वो देवर भाभी, अब जे बताया तू काय पे चलेगी, साइकिल पे जाएगी ना, तो चलो पैदल ही चलेंगे। तो देवर कहने लगो, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी, बड़ा कर रही है तुम्हें, पैदल की हामी बल रही, न हो तो ऐसो करो रिक्शा में चलें। भाभी कहने लगी, लाला जी रिक्शा में मन चलो छो। अरे रिक्शा वाले बड़े बुरे झटका लगावते, बड़े नमकीन होते हैं वो। तो कहने लगो कि वो कैसे होते हैं भाभी नमकीन रिक्शा वाले, तो क्यों घबरा रही हो। तो वहां पास में एक रिक्शा वाला सुन लो, और दोस्तों वो रिक्शा वाला सुन के बाकी बातचीत को और वहां से कहने लगो और कहा करो भला अरी मत घबरावे तेरे ना ही लगेगी लगेगी, हाँ मत घबरावे तेरे ना ही लगेगी री लगेगी, देख सुंदर नार हो तैयार, बड़ो है सस्तो भाड़ो पौन घंटा ते ठाड़ो, बड़ो है सस्तो भाड़ो पौन घंटा ते ठाड़ो। झटका ना लगाऊंगो, अरी जा से और मिले नहीं सस्ता, हाँ जा से और मिले नहीं सस्ता, देखी भारी है जाती रास्ता, अरी ऐसी चाल चले अलमस्ता अलमस्ता, देखी गड्ढा खार सब में ही पार, न होएगो तिरछो आड़ो पौन घंटा ते ठाड़ो, न होएगो तिरछो आड़ो पौन घंटा ते ठाड़ो, मत घबरावे अरी पहले छोड़ूंगो मती मती, पहले छोड़ूंगो मती मती, बड़ी गुदु गुदिये जाकी गती, जाके आगे सब है रद्दी सब रद्दी, जाके आगे सब है रद्दी सब रद्दी, सोच विचार होए बीमार, जोर को पर रहो जाड़ो कौन घंटा ते ठाड़ो, जोर को पर रहो जाड़ो कौन घंटा ते ठाड़ो, मत घबरावे बात है तुमानी की वो कैसी है, अरे तीन लगे हैं जामे पैया, अरे ये समझ में अंतराज है, तीन लगे हैं देखी जामे पैया, सोफा की सीट तोले कढ़िया, मेला तक कोए
डेढ़ रुपया रुपया और बात टेलर को यार देखे खर्च या पार तो आ जाए तमाड़ो कौन घंटा से डाड़ो तो आ जाए तमाड़ो कौन घंटा से डाड़ो मती घबरावे मती घबरावे तेरे नाई लगेगी लगेगी सुंदर लार हो तैयार जोर को पर रहे जाड़ो कौन घंटा से ठाड़ो विचारी करके भाभी बोली चलो लालाजी रिक्शा में ही चलेंगे दोनों चलते हैं। तो वहां से वो रिक्शा में दोनों बैठ जाते हैं और चले मेला के करीब पहुंचे तो मेला वाले ने उस रिक्शा वाले ने एक पतली गली के सामने जाके रिक्शा को रोक दिया और बोला जी यहां से आगे नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा, हमने 1.5 रुपया दिया है एक सवारी का। तो बोले नहीं जी यहां से आगे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जाएगा भाई, तो बताने लगा कि यहां से आगे को ये रिक्शा बाबू, यहां से आगे को ये रिक्शा बाबू और बस चलाने के काबिल नहीं है। यहां से आगे को ये रिक्शा बाबू बस चलाने कोत रास्ता है जी इस गली का। ये भी बर्मा जी तुमानी है। कोत रास्ता है जी इस गली का, उसमें जाने के काबिल नहीं है। और बताऊं साहब आपको कि गरी घर बढ़ा दूंगा थोड़ा सा आगे तो ये फंस जाएगा होगी मुश्किल। फंस जाएगा होगी मुश्किल जी ये। तो ये फंस जाएगा होगी मुश्किल और माफ करना ये रिक्शा है नाजुक, माफ करना ये रिक्शा है नाजुक चोट खाने के काबिल नहीं है। यहां से आगे को ये रिक्शा बाबू बस चलाने के काबिल नहीं है।
रास्ता उसमें जाने के काबिल नहीं है। पैसे देकर वहीं उतर जाते हैं और जब मेला में पहुंचे तो देवर पूछन लगो भाभी ते और का पूछ रहो हंसराज अरे मो भाभी साच बताए बताए दे अरे मो भाभी साच बताए आज तू जा मेला में कहा खावेगी ओए भाभी साँच बताए दे आज तू मेला में कहा खावेगी लगो भाभी अब तो तो बतानी पड़ेगी के देख मन का है पहे तेरो और खुल के मुंह से बोल अरे मन का है पहे तेरो और नेक खुल के मुंह से बोल और देवर से कैसी शर्म और तू दिल की घुंडी खोल बताए दे अरे बताए दे कहा घर कुरी ले जावेगी ओए भाभी साँच बताए दे आज तू मेला में कहा खावेगी देख जी भर के खर्चा करो मो पे बहुत बंधे हैं नोट अरे सोच समझ भाभी मेरी और जे हम दो उनकी चोट अरे बता दे कब मेला में आवेगी मो भाभी साँच बताए आज जा मेला में कहा खावेगी भाभी ने बता रही वो पीछे ही पड़ेगा और कहके लगो के फल लाऊं या मिठाई और जो खावे सो छाट फल लाऊं या मिठाई जो खावे सो छाट अगर चटपटो खाए तो तोय बनवाए तुम वो चाट खाए ले अरे खाए ले फिर पीछे पछतावेगी तोय भाभी साँच बताए दे आज साँच बता दे आज तू
तो साहब मेला में जाके देवर पीछे पड़गो, भाभी अब तो बता ही दे तू का खाएगी। तो बोली लाला जी ना मानोगे ना, बतानी तो पड़ेगी। अच्छा तो ले तुम्हें बता ही दूं। एरे देवर काहे कु हम देवर काहे कू रहो है मन मारे, अरे तो लाला खजला मेरा ठिको। माने लालाजी तो ले बताई दूं सुन ले। तू देवर में भाभी तेरी कह दूं अब खुल्लम खुल्ला, तू देवर में भाभी तेरी कह दूं अब खुल्लम खुल्ला, शाम की मोई कचौड़ी ला दे दौआ केला रसगुल्ला, एर बर्फी खाने की आहा बर्फी खाने की हवा दे एक बारे, अरे तो लाला खजूला में अरे असली खोआ बने दूधवा विजय पाल ते ले आइयो, असली खोआ मिले दूधवा विजय पाल से ले आइयो, और अरे पानी ना ही मिलावे इतनी पाछे लाते के आइयो, ए जी मेरो पहले से आह मेरो पहले से ही वहां चल रहे है उधार, अरे तो लाला खजला में चीज पे और दिवरिया मनुआ बहुत हमारो है, नाम महेंद्र पान लगावे गांव फिरोजपुर बारो है,
जब देवर भाभी मेला देख के गांव में वापस पहुंचे तो भाभी की सास बिगड़ गई और बिगड़ के अपनी जिठानी ते दोनों के बारे में राम कथा सुनाने करी। कैसे सुना रही हंसराज? एरी मेरे छोरा पे और फिर आयो ऐसो जाले पटाए लयो बाने तो दिन में हारी मेरे छोरा पे फिर आयो ऐसो जाले अरे पटायो बाने दो दिन में और जी जी कैसे पटायो है? अरे काम न धंधो करे जबी से ऐसो बनो हरम्मा है और माने वो हर बात बहू की जैसे बाकी अम्मा है बहुत अच्छे और जी जी बाकी शादी को कैसा लग है? एरी अबई शादी को भई शादी को भयो एक साल अरे पटाए लयो बाने दो दिन में ऐसो फिर मालो बाना फिकर घर की सीसा कंगा इंगुर बेंदी की तो गत कर जारी है पहना एक देहाते भरी परी है सीसा कंगा इंगुर बेंदी की तो गत कर जारी है और पाउडर क्रीम और सोदा ते भरी पड़ी अलमारी है एरी जाके खाए खाए के आहा जाके खाए खाए के गो कच्चा है गए काले अरे पटाए लयो जाने दो दिन पापन को मत मारी बज मारे की अरे भूल गयो वो माँ बापन को मत मारी बज मारे की आचुन आमन दे बहन में जब कहती हूँ न्यारे की दोनों ही दिखा में मोहने ना लाल हरी पटाए लयो बाने दो दिन में ओ
की एक मती चल रही है, मैं कछु कहूं तो उल्टे आमे दोनों ही। और क्या कहते हैं, गोबर कूड़े से मेरी बहना वो ना हाथ लगावते है, गोबर कूड़े से मेरी बहना वो ना हाथ लगावते है, पड़ी पड़ी खटिया पे हम पे उल्टो हुक्म चलावत है, एरी अब के पिटवांगी। हंसराज देख लियो भैया है, आहा अब के पिटवांगी जब आवे गोहोरी लाल, अरे बता लियो जाने दो दिन में, एरी मेरे छोरा पे फिराए दो ए तो चाले